हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल टेक्नो तपन। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि IRCTC के नए वाले अपडेटेड वाले ऐप पर आप रेलवे टिकट ऐप किस तरह बुक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव ये करके मैं दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, मैं बता दूं, मुझे 27 तारीख को पहुंचना था गोरखपुर, यानी कि 27 नवंबर आने वाली, तो मैंने 26 की रात का टिकट बुक किया है यहां से लखनऊ से गोरखपुर जाने का। और फिर 27 को ही मैंने सेम डे का मैंने टिकट बुक किया है वहां से लौटने का भी। तो मैं आपको दो टिकट में बुक करके मैं दिखाने वाला हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को IRCTC के नए वाले ऐप में टिकट बुक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और दोस्तों, मैं इसमें दिखाऊंगा भी कि आपको किस तरह इसमें मास्टर लिस्ट का यूज करना है, किस तरह पेमेंट करना है। तो बने रही वीडियो में, चलते हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, जल्दी से हम लोग IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप खोलते हैं। और ऐप खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है। हम लोग लॉगिन पे दोस्तों टच करेंगे अपना यूजर नेम और पिन डाल करके। हर बार आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ता IRCTC में। ओके, मैंने अपना पिन डाल दिया है। कैप्चा कोड सही से एंटर कर देंगे और लॉगिन पे दोस्तों हम लोग टच कर देते हैं। लॉगिन पे टच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। और प्लान माय जर्नी पे मैं टच करूंगा। देखिए, मुझे लखनऊ टू गोरखपुर का मुझे टिकट बुक करना है। अगर आपको कहीं और का करना है तो आप कहीं पे भी सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन पर आप टच करके अपना स्टेशन आप चेंज कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी सेट हैं और मेरी डेट है यहाँ पे 26 नवंबर का मुझे टिकट बुक करना है। तो देखिए, मैं 26 नवंबर को मैं टच कर देता हूँ और ओके पे मैं टच कर देता हूँ। सर्च ट्रेन पे दोस्तों मैं टच कर रहा हूँ। सर्च ट्रेन पे टच करते ही, और दोस्तों सबसे अपनी मनपसंद ट्रेन जो भी है, आप अपनी अगर आपकी कोई है मनपसंद तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इतनी लिस्ट आ रही है उसमें आप कोई भी ट्रेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरी ये ट्रेन जो है लास्ट में आ रही है और यहाँ पर मैंने इसमें टच कर दिया है 15008 वाली ट्रेन पर। और स्लीपर पे मैंने टच कर दिया है। स्लीपर पे टच करने के बाद देखिए अवेलेबल दिखा रहा है 20 सीट्स 26 नवंबर को। तो मैं यहाँ पे इस बटन को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद गो टू पैसेंजर डिटेल्स पे मैं टच कर देता हूँ। ये एक वार्निंग दिखा रहा है कि आपने LKO to GKP सर्च किया, लेकिन आप टिकट बुक करें LJN to GKP। दोस्तों, दोनों ही स्टेशन अगल बगल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म कर देता हूँ इसे। और कन्फर्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर, हाँ, कई लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि मास्टर लिस्ट नए वाले ऐप में किस तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए, ऐड एग्जिस्टिंग आ रहा है, ऐड एग्जिस्टिंग पे आप टच करेंगे तो मास्टर पैसेंजर लिस्ट देखिए दोस्तों आ रही है। और यहाँ पे हम अपना जो भी मास्टर लिस्ट में जो पैसेंजर हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने नीचे मास्टर लिस्ट से अपना नाम सेलेक्ट कर लिया है और ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मुझे एज वगैरह और नाम वगैरह टाइप नहीं करना पड़ेगा, अपना प्रेफरेंसेस वगैरह मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी दोस्तों डिटेल आ गई है। और कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ्स आर एलोकेटेड, इस पर हम लोग टच कर देते हैं। और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस यस या नो, ये आपकी मर्जी है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर हम लोग टच कर देते हैं दोस्तों। और देखिए, 26 तारीख की रात का ये टिकट है, 27 को सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे। और बाकी सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। और यहाँ प्रोसीड टू पे पे हम टच करने जा रहे हैं। और प्लीज़ एंटर टेक्स्ट एज शोन इन द कैप्चा में, जो कि मैंने कैप्चा नहीं डाला था, तो कैप्चा अब हम लोग डाल देते हैं। कैप्चा यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइनर टाइप का, थोड़ा एड वाला कैप्चा आ रहा है, यानी विज्ञापन वाला, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को कैप्चा सही सही एंटर करना है। और हम लोग प्रोसीड टू पे पे दोस्तों टच कर देते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम लोग पेमेंट करेंगे, भीम UPI या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग यही सेकंड वाले ऑप्शन अपने करते हैं, रेजर पे वाले ऑप्शन से। रेजर पे पे हमने टच किया, प्रोसीड टू पे पे 207 पे मैंने टच कर दिया दोस्तों। और इसके बाद देखिए भीम UPI ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अदर ऐप्स पे आएंगे, अपना UPI ID, कोई भी UPI ID, चाहे फ्री चार्ज की हो, चाहे फ़ोन पे की हो, चाहे गूगल पे की हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा पेमेंट फ़ोन पे से करता हूँ, तो मैं अपना फ़ोन पे वाली UPI ID, यानी कि अपना मोबाइल नंबर @YBL में डाल देता हूँ। और यहाँ पे 207 पे मैं टच कर देता हूँ। अब ये स्क्रीन दोस्तों बंद नहीं करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे हम लोग टच कर देंगे। और इस स्क्रीन, जो अगली स्क्रीन है, इसको भी हम लोग बंद नहीं करेंगे और इसे मिनिमाइज बीच वाला बटन दबा के कर देंगे। फ़ोन पे ऐप खोल लेंगे और देखिए फ़ोन पे ऐप में आपको पे 207 का आपको मैसेज मिल गया है। तो पे पे हम लोग टच कर देते हैं। यहाँ मेरे सारे बैंक अकाउंट देख रहे हैं। सेंड पे टच कर देते हैं, अपना UPI पिन डाल देंगे, 4 डिजिट का ये पिन होता है। और दोस्तों देखिए, मैंने अपना UPI पिन डाल दिया है। टिक पे मैं टच कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन पेंडिंग जो है ग्रीन होगा, हम लोग वापस अपनी उसी IRCTC वाली स्क्रीन पे दोस्तों चलेंगे और हमारा टिकट बुक हो जाना चाहिए। देखिए, जैसे ही ट्रांजैक्शन पेंडिंग और ये ग्रीन हो गया, अब हम लोग वापस चलते हैं। और देखिए IRCTC वाली स्क्रीन पे आ गए। और ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा टिकट बुक हो गया। ये ऐड आ रहा है बीच में, इसको
इसको हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। और देखिए S6 में 10 सीट नंबर है मेरा, बर्थ नंबर 10, और ये मिडिल बर्थ है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने टिकट मैंने बुक कर लिया है, इस टिकट को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक और टिकट दोस्तों बुक कर लेते हैं, और एक और टिकट बुक करने के लिए हम लोग बैक चलते हैं एक बार। और बैक चलने के बाद देखिए दोस्तों, प्लान माई जर्नी पे मैं फिर से मैं टच करता हूँ, और इस बार GKP to LJN। अच्छा, नए वाले ऐप में मुझे एक दिक्कत आ रही है कि अगर जैसे देखिए लखनऊ टू GKP अभी लगा हुआ है, तो मैं लखनऊ पे अगर अब GKP टच करता हूँ तो वो सेलेक्ट ही नहीं करने देता, क्योंकि वो लगने ही नहीं देता। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे बेकार में ही पहले डेस्टिनेशन स्टेशन को कोई और थर्ड प्लेस जहाँ मुझे जाना ही नहीं, मुझे वहाँ पे मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ GKP, और उसके बाद मैं डेस्टिनेशन स्टेशन पे, और उसके बाद डेस्टिनेशन स्टेशन पे मैं लगाता हूँ लखनऊ, जो कि मुझे वापस आना है, और डेट मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये एक नए ऐप में दिक्कत है, और नए ऐप में कुछ और भी दिक्कत हैं, उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये वीडियो केवल टिकट आप कैसे बुक करेंगे, एक और टिकट मैं आपको सेकंड टिकट इसी वीडियो में मैं बुक करके मैं दिखा रहा हूँ, जो कि मेरा रिटर्न टिकट होगा। तो 27 तारीख को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ओके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, GKP to LKO सेलेक्ट है, सर्च ट्रेन पर मैंने टच कर दिया दोस्तों। और सर्च ट्रेन पर दोस्तों टच करते ही देखिए 15007 ये ट्रेन आ रही है मेरी, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। स्लीपर पे मैं टच में कर देता हूँ, स्लीपर पे टच करते ही दोस्तों 43 सीट्स देखिए दोस्तों दिखा रहा है 27 तारीख को। तो अब यहाँ पे मैं गो टू पैसेंजर डिटेल्स कंफर्म कर देता हूँ इसे, और इसके बाद फिर से ऐड एग्जिस्टिंग पे जाता हूँ, तो मास्टर लिस्ट मैंने ऐड कर दिया ऐड पैसेंजर, और कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और ये सब मैं टच कर देता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं टच कर देता हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस कह रहा है आप खाली नहीं छोड़ सकते तो इसको भर देता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स मैंने टच कर दिया है, और इसके बाद एक बार अपनी डेट वगैरह और सो स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन आप चेक कर लीजिए, सब कुछ मुझे सही लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पे हम लोग टच करते हैं, फिर से पेमेंट गेटवे वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। इनवैलिड कैप्चा, फिर से मैं कैप्चा डालना भूल गया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए कैप्चा हम लोग सही से डाल देते हैं, 24 ये 0 है कि O है, चलिए मैं 0 लिख देता हूँ, उसके बाद DE4 मुझे लग रहा है स्मॉल O ना हो। ओके, तो स्क्रीन आगे बढ़ गई दोस्तों, भीम UPI बीच वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, और रेजर पे मैंने सेलेक्ट कर लिया पे 207.7, और दोस्तों भीम UPI थर्ड वाला ऑप्शन अदर एप्स, फिर से अपनी UPI ID यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और दोस्तों फिर से एक बार अभी कंफर्म करेगा स्क्रीन पे सारी चीज़ दिखाने के बाद। ओके, देखिए कंटिन्यू का बटन आ गया, कंटिन्यू पे यहाँ टच कर देते हैं, और इस बार जो है नेट थोड़ा लग रहा है स्लो हो गया है, यहाँ जियो का नेट लखनऊ में बहुत स्लो चलने लगा है। ओके दोस्तों, इस बार पेमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, देखिए प्लीज़ एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम रिजर्व VPA ऑन योर UPI ऐप। तो चलिए हम लोग UPI ऐप पे चलते हैं, और थोड़ा रिक्वेस्ट स्लो आ रही है क्योंकि नेट स्लो हो गया है, लेकिन आएगा, काम वही होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग पॉपअप का वेट कर रहे हैं, खुद ही पॉपअप आएगा। ओके, कुछ टाइम दोस्तों ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग इसे बैक करते हैं। तो डू यू रियली वॉन्ट टू कैंसिल, यस, चलिए हम कैंसिल कर देते हैं, और फिर से एक बार बैक करते हैं। कैप्चा बस रिफ्रेश होगा, कैप्चा हम लोग फिर से डालेंगे। ओके, फिर से सेकेंड और ऑप्शन, फिर से रेजर पे, और दोस्तों कुछ दिक्कत आ रही है, तो चलिए हम लोग इस बार फ्री चार्ज से पेमेंट कर देते हैं। तरीका बिल्कुल वही रहता है दोस्तों, हम लोग अपना फ्री चार्ज ऐप खोल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, फ्री चार्ज की हमारी UPI ID हमारा मोबाइल नंबर @FreeCharge होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं, और इस बार पेमेंट जो है वो फ्री चार्ज से करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कंटिन्यू पे दोस्तों टच कर देते हैं, योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस, प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रिजर्व VPA, और इस बार फ्री चार्ज की स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। और देखिए दोस्तों इस बार, लेकिन फ्री चार्ज में लिंक नहीं आया है, तो हमें यहीं पे कहीं जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पेंडिंग में यहाँ दिखा रहा है, तो थोड़ा फ्री चार्ज में दिक्कत है, पॉपअप नहीं आता है, हमें यहाँ पे यहाँ टच करना पड़ेगा, और कंफर्म पे मैं टच कर रहा हूँ। थोड़ा ऐप का अलग अलग सिस्टम रहता है, और इसे पे मैं टच कर देता हूँ, और फिर से भाई UPI पिन अपना नंबर डालना है मुझे।
और टिक पे दोस्तों मैंने टच कर दिया है। ओके, पेमेंट हो गया दोस्तों। वापस चलते हैं अपने IRCTC वाले ऐप पर और देखिए दोस्तों यहाँ पे टिकट बुक हो गया। इस बार मिला है S5 में, तो दोस्तों इस बार मिला है S5 में 53 नंबर मिडिल बर्थ। तो दोस्तों ये थे दो टिकट, मैंने आपको टिकट दोनों बुक करके दिखा दिए। एक बार मैंने पेमेंट किया फ़ोन पे से, एक बार मैंने पेमेंट किया फ्री चार्ज से, क्योंकि फ़ोन पे में सेकंड टाइम में कोई दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए हमेशा की तरह काम करा होगा। अगर आपके लिए वीडियो काम करा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल टेक्नो तपन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए वाले IRCTC ऐप पर जितने भी वीडियोज आ रहे हैं वो इसी नए वाले चैनल पर आएंगे। और मेरा एक और दूसरा चैनल है तपन गुप्ता के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।